हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायो रिच प्रीमियम ब्लीच के बारे में बताने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है डायमंड की ऑक्सी डायमंड ब्लीच, शाइनिंग ब्लीच है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, वाइटनिंग रिजल्ट देती है, सांवली स्किन पे, ब्लैक स्किन पे बहुत ही अच्छी जाती है। वैसे ही ये गोल्डन ग्लो शाइनर ब्लीच है, बायो रिच की ही है, इंस्टेंट ब्लीच, और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इस ब्लीच का। जिनकी स्किन वाइट है, गोरी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी ब्लीच है। वैसे ही फ्रेंड्स, ये एक और ब्लीच है, स्किन वाइटनिंग शाइनर ब्लीच। ये हर एक स्किन पे अच्छे से जा सकती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाती है। आपको यहाँ पे सब जानकारी दी गई है, बहुत ही अच्छी ब्लीच है फ्रेंड्स। ये मुझे 599 रुपीज़ में एक ब्लीच का पैक गिरा है, बहुत ही अच्छी ब्लीच है, आप यूज़ करके ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस ब्लीच को किस तरीके से करना है, इसमें कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको एक लोशन की बॉटल मिलती है। वैसे तो हर एक ब्लीच की जो हम ब्लीच करते आए हैं आज तक, उसकी थिकनेस होती है ब्लीच की, पर ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आता है, लोशन है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही कम लगती है और ब्लीच के मुकाबले। वैसे ही इसके अंदर आपको एक एक्टिवेटर पाउडर दिया गया है और एक मेजरमेंट के लिए कप स्पून दिया है, जिससे कि आप लोशन और एक्टिवेटर पाउडर दोनों में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मेजरमेंट करना है। बड़े साइज से आप लोशन को मेजरमेंट कीजिए, जैसे कि मैंने एक चम्मच एक स्पून लिक्विड लोशन का लिया है, और दूसरे ही साइड से एक्टिवेटर पाउडर को मेजरमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छी ब्लीच है फ्रेंड्स, आपने बहुत सी ब्लीचें करी होंगी, पर आप इस ब्लीच को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। कभी भी आप ब्लीच और एक्टिवेटर पाउडर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा। अगर ये मैश नहीं होगा तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसको मैश कीजिए, एक सब फ्लफीनेस आनी चाहिए क्रीम में, फ्लफी फ्लफी दिखना चाहिए मैश करने के बाद। इसका मतलब कि आपकी ब्लीच तैयार है लगाने के लिए। आप अपना चेहरा क्लींजिंग मिल्क से क्लीन कीजिए, क्लींजिंग मिल्क के बाद आप ब्लीच अप्लाई कीजिए। मैं आपको चेहरे पे नहीं, मैं आपको अपने हाथों पे यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप इसको इजीली हाथों पे, पैरों पे भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही कम लगती है और ब्लीच के मुकाबले। बस इसको आप एक 10-15 मिनट्स रखिए, उसके बाद क्लीन कर दीजिए और देखिए इसका रिजल्ट। आपको तुरंत इसका रिजल्ट नज़र आएगा, जैसे कि मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, कितना इंस्टेंट रिजल्ट आया है। मैंने बहुत दिनों से वैक्सिंग ब्लीच कुछ नहीं की थी, तो देखिए जैसे ये थोड़ा सा एक वाइट सा, हल्का सा वाइट ग्लो आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितनी डल स्किन है, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस ब्लीच को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छी ब्लीच है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।